रेवाड़ी में 27 जून से लापता बच्ची का सुराग लगाने में नाकाम शासन प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। यही कारण है कि आज बावल में अनुसूचित जाति समाज ने पंचायत कर स्थानीय विधायक और सांसद का बहिष्कार कर गांव में ना घुसने दिए जाने का फैसला लिया। लोगों के आक्रोश के चलते सुरक्षा के लिहाज से मंत्री आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बता दें कि इलाके के लोग परिजनों के साथ मिलकर मंत्री आवास पर कई दिनों से धरना दे रहे हैं और इलाके के लोग बाजार बंद कर रोज जाहिर भी कर चुके हैं, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया है। रेवाड़ी में एक तरफ जहां बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी के बावल में ही अनुसूचित जाति समाज की पंचायत कर स्थानीय सांसद और विधायक का बहिष्कार कर गाँव में ना घुसने दिए जाने का फैसला लिया जा रहा था। बीजेपी की बैठक में अनुसूचित जाति के लोगों को बीजेपी से जोड़ने की बात पर जोर दिया जा रहा था और बावल में बीजेपी सरकार के दो मंत्रियों पर लोग आग बबूला हो रहे थे। बता दें कि 27 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में 12 साल की बच्ची शिवानी का अपहरण हो गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर बार बार बच्ची को जल्द तलाशने का दावा किया, लेकिन सभी दावे अब तक झूठे साबित हुए। लिहाजा पहले परिजनों ने जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद बावल में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आवास के बाहर बच्ची के परिजन और स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने बच्ची की सूचना देने वाले को 1,00,000 का इनाम देने की घोषणा की और मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, लेकिन बच्ची का सुराग नहीं लग पाया। और यही वजह है कि एक बार फिर एससी समाज के लोगों ने पंचायत की एससी समाज ने आज फैसला लिया है कि एमएलए और एमपी को गांव में नहीं घुसने दिया। एससी समाज है वो तो विशेष करके बहिष्कार करेगा ही करेगा और बावल चौरसी से भी रिक्वेस्ट की है कि हमारा सहयोग करें। कितने लोगों की कमेटी ने ये डिसीजन लिया है? 51 सदस्य कमेटी की संघर्ष समिति बावल चौरसी। देखो, आप सभी को मालूम है, यहाँ पे पूरे राष्ट्रीय लेवल पे पता है कि मोहनपुर गांव की बेटी है वो पूरे 5 महीने से गायब है। हम लोगों ने अपनी तरफ से अथक प्रयास किए हैं, बावल चौरासी ने पूरा जोर लगाया है, एससी समाज ने पूरा जोर लगाया है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। अभी हमें आश्वासन दिया गया है कि नारको टेस्ट होने के बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, उसका हम इंतजार करें। उसके बाद एक बड़ी पंचायत होने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी स्थानीय मंत्री का एससी समाज पेश कर रहा है। अभी मंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो हर संभव मदद कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि इस तरह का निर्णय बहुत गलत है। अगर मंत्री जी हर संभव प्रयास करते तो अभी तक तो मामला शॉर्ट आउट हो चुका होगा और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं थी। विद इन वीक ये शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, बट जब ये 5 महीने का टाइम ले चुका है तो इतने नॉट कोऑपरेटिव। देखो, मैं तो गया हूँ, अब आपके सामने है, मैं गया हूँ, अब कोई झूठ बोले तो इसका क्या इलाज है? और मैं तो संपर्क में रहता हूं और जहां भी मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। और अब भी जैसे मैंने बताया कि एसआईटी जो स्टेट क्राइम जो जांच कर रही है वो अभी इनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएगी और जनवरी में शायद उन्होंने समय लिया है, तो उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और मैंने तो ये भी कहा था पहले, अगर इससे कोई अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम हायर एजेंसी से भी जाँच करवाएंगे।